कुछ ट्वीट्स भी सामने आती हैं जब मैच होता है और बहुत उन पे क्रिटिसाइज भी फिर लोग कर रहे होते हैं, मीम्स भी बन रही होती हैं, लोग ट्रोल भी कर रहे होते हैं. लेकिन अगर नासिर हुसैन साहब की बात करें तो उनकी ट्वीट कल हम सब ने देखी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी. उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना जो है ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगे उनकी ट्वीट के हवाले से? नहीं, नेदरलैंड्स के खिलाफ तो हमें जीतना चाहिए. देखिए, अगर आप खुले जेन से जाएं, पिछले बैगेज को साथ ना कैरी करें और एक फ्रेश अप्रोच के साथ जाएं, अच्छी सिलेक्शन करें. आपको पता है लेग स्पिन पे शायद ऐसी टीम्स फंसती हैं, आपको पता है बाउंसर पे फंसती हैं, आपको पता है कि पहले 5-6 ओवर्स ये टाइट करते हैं. क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि इनकी बॉलिंग जो एवरेज है पावर प्ले में वो सबसे अच्छी है दुनिया में ऑलमोस्ट, तो उसका ख्याल करें, उसका लिहाज करें. आपको पता है कि आप पहले 10 ओवर अगर विदाउट टेंट के आगे निकल गए तो फिर आप 350-350 स्कोर कर सकते हैं इसी टीम के खिलाफ. ये फील्डिंग ठीक करते हैं, नेदरलैंड किलिंग भी कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान से ये मैच नहीं जीते हैं. सो इनकी अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है. मगर ये वर्ल्ड कप है, बड़ा ओकेजन है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, नाम है, 2-4 हमारे वर्ल्ड क्लास टॉस जीत के सेकंड बैटिंग. अच्छा, अब ऑब्वियसली टॉस कंट्रोल में है जैसे आकिब भाई ने कहा, अब क्या लगता है कि क्या सेफ टोटल होना चाहिए? और कंसीडरिंग दिस के पाकिस्तान थोड़ा सा बड़ा टोटल नहीं लगा पाता, स्ट्राइक रेट हमारा जरा स्लो है, तो क्या सेफ टोटल समझते हैं आप इन विकेट्स पे? नहीं, मुझे इरफान ये लगता है कि देखें जो ओस का मामला है ना ड्यू का, ये नॉर्थ में होगा, दिल्ली में होगा, शायद आपको ईस्ट में मिल जाए कैलकाटा में. बट जैसे मुंबई है फॉर एग्जांपल, या बेंगलुरु है, या यहाँ हैदराबाद में, यहाँ पे इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मानसून का खतरा है, अभी एक हफ्ता 10 दिन बारिश और रहनी है, ये एंड ऑफ मानसून सीजन है, तो वो बारिश का एक हमला हो सकता है. इसलिए आपको हर मैच जो है वो जीतना भी है इनिशियली, और नेट रन रेट के ऊपर नजर रखनी है. और ये नेदरलैंड्स की आईपीएल टीम है जहां नेट रन रेट के आप ख्याल कर सकते हैं. देखिए, चेजिंग ऐसी पिचेस जो है ना वो मुख्तलिफ सी हैं. हैदराबाद में आप चेज करना चाहेंगे, मैं समझता हूं कि अगर जब आप अहमदाबाद में प्रेशर मैच खेलेंगे भारत से तो आपको विकेट को सही रीड करना है. और अगर वो विकेट को सही रीड करके आप समझते हैं कि दिन में जो है वो कंडीशंस बॉलिंग के लिए टफ है, साइडवेज मूवमेंट नहीं ज्यादा होगी, गेंद ब्रेक नहीं करेगा ज्यादा भारतीय बॉलर्स का, तो आप पहले बैटिंग करें. क्योंकि फिर लाइट्स के नीचे जैसे आपने कहा ये स्लो पिच हो जाती है, 2-3 विकेटें गिर गई, स्लोनेस, प्रेशर, फिर गेंद कहीं पड़ेगा, स्पिन करेगा, वो रिस्ट स्पिनर है कुलदीप, उनके गेंद स्पिन करे ही करेगा, तो कहीं फंस ना जाए. तो प्रेशर मैच में मैं तो अभी खैर मैंने पिच नहीं देखी, जाके वहां पर मैं आपको और बेहतर उसकी असेसमेंट दे सकता हूं. मगर ये कोई गिवन नहीं है कि आप सिर्फ चेजिंग करके जीतते जाएंगे कि ओस का फैक्टर इतना ज्यादा है. ओस जो है वो हल्की फुल्की होगी, ज्यादा होगी नहीं. आप देखें ये जो पिछले मैच में भी कोई सुपर सॉपर्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ये जो आज मैच हुआ है ऐसा नहीं था कि कोई गेमी थी आउटफील्ड, ये सिर्फ क्वालिटी दिखाई है न्यूजीलैंड. एग्जैक्टली जी, आकिब सर से हम फिर से जानना चाहेंगे कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना, और इस चीज को कि कभी हम इनसे हारे नहीं है, हारे नहीं है ना T20 में ना ODI में. तो क्या ये ओवर नासिर हुसैन को यकीन है? अच्छा, हम इस तरफ भी आएंगे. अच्छा, अगर हम उनसे नहीं जीत सकते तो फिर वापस ही आ जाए. देखिए, एक एक चीज देखिए जी, अभी शुरू हो रहा है, लोगों के दिमागों में अभी तक वो जो दुख है ना एशिया कप का जी, वो धुला नहीं है. ऐसा ही है, ठीक है. अगर अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट देखें अगर पाकिस्तानी टीम का, तो टॉप 5 में तो बात हो रही है जी, ठीक है. अब ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो रैंकिंग में 4 टीमें होती हैं, 5 टीमें होती हैं, उनके अलावा कोई जीता नहीं है. हाँ, ऐसी हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, वो नसीम शाह अनफिट हो गया. हाँ जी, तो जब 92 में खेले तो वकार यूनस अनफिट हो गया. जी जी, ठीक है. हमारे पास सिर्फ 3 बॉलर थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद. ऐसे ही है, ठीक है. लेकिन अभी अगर अब हमारी जो ख्वाहिश है ना आप लोगों की, या जो जिस तरह से लोग इसको देखते हैं, जो टीम शुरू से पीक पे जाएगी वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब जो भी है आपके पहले जो 6 मैचेस हैं, इसमें आपने एक ऐसी रीजनेबल परफॉर्मेंस देनी है कि 6 में से 3 मैच जीत लें तो आई एम हैप्पी. हाँ, मतलब क्योंकि पीक आनी चाहिए आपकी, आपके 6ठे मैच में, आपके 9 मैचेस हैं, तो अगर आप
तीन भी जीत हाँ। लेते हैं और आगे फिर आपकी पीक आनी चाहिए, मोमेंटम फिर आप कैसे अभी आपके मेरे पास होना चाहिए। सही तो अभी ये सोच छोड़ दें कि अभी एक हार या दो हार है, पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।